किसी ने ये छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, तो मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। जो भी हो, अगर कोई आएगा तो उठा के लेके जाएगा, उनको जो कुछ भी हो आएगा उठा के ले जाएगा। अभी कोई चीज़ मतलब यहाँ पर इतना बिजी होते हैं हर लोग, छोड़ जाती है ना, छोटी छोटी इंसिडेंट हो ही जाती है। और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा मेरा वॉइस ज़्यादा आया हुआ क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आ जाती है, थोड़ा बहुत इतना सा चीज़ आप लोग कर लो है ना, क्या करें, जो थोड़ा बहुत सहना करना ही पड़ेगा। यहाँ पर गोदाम बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाती है। अभी देखो स्टेशन भी क्या है, क्या तरह के बना रहे हैं। नंबर में दिखाई दे रहा है वो मेरा 12 नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना 12 नंबर में आराम से गाइस यार बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि मेरा जो था वो ट्रेन मेरा PQWL था, वो बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है और उसका और उसका मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देखता हूँ कि इस चीज़ सिचुएशन में कैसे मैं जाऊँ, या मैं उसमें जाऊँ, किस में जाऊँगा यार आई डोंट नो यार, वो कंफर्म नहीं हुई। अब या तो जनरल में होगा या तो कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, देखते हैं। पता नहीं, मैं यार इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत होती नहीं है, और मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं यार। मेरा आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोगों को ट्रेन नंबर दिखाता हूँ, 113 149, ये आप लोग देख सकते हो। और इसी वाले में मैं जाता हूँ, क्या यार हो ही नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बार देखता हूँ स्लीपर में क्या कैसे करके कोशिश कर लेता हूँ। होपफुली यार मैं सोचा था मेरा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, बट कंफर्म नहीं हुआ। अब इस चीज़ के लिए मैं देखने पड़ेगा। अरे भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्रतीक्षा आप यहाँ देख सकते हो, प्रतीक्षा कर रहे, कुछ लिख रहे, आप लोग यहाँ पर वेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा तो कोई कंफर्म तो नहीं हो रहा है, देखते हैं एक बार जाके देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो मैंने आप लोगों को रात में ज़्यादा शूट नहीं किया, होपफुली अभी ट्रेन जाने वाला क्योंकि मैं इसी ट्रेन में आया था, है ना। तो रात का वीडियो मैंने यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा, इसलिए नहीं दिखा था, मैं किस हालत में था, छोटा सा क्लिप तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो आप लोग पूरा देखना, दिखाना भी बहुत मुश्किल लगी क्योंकि सीट कन्फर्म नहीं थी, काफ़ी हो गई है, और मैं एक जगह से दूसरी जगह भी चला गया अपना सीट के लिए। कभी ऐसा होता है तो भाई मुश्किल बात ही हो जाती है, है ना। तो कभी टीटी से बात करना पड़ी, कभी जो हेल्पलाइन होती है यहाँ पर, सॉरी हेल्प करने वाला जो पुलिस बैठते हैं उन लोग से मैंने बात किया। तो बाद में जाकर मैंने को जर्नल वाली जगह, जहाँ पर खाली
जनरल वाला थोड़ा वो खाली था इसीलिए मैं बैठ गया, नहीं तो भाई मेरा तो सत्यानाश हो जाती थी। तो चलो अभी के लिए यहाँ पर आ गए, थोड़ा बहुत आगे देखते हैं, मैं भी जस्ट हाथ। अभी निकल लेते वो बाहर, बाहर का क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं पहले। तो अभी आप अपने उसको कर लेते हैं, पीछे पड़ जाती है सब लोग यार। नहीं कल मैंने कितना जब 5 बजे खाना खाया था और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पर मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकला कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं रुक गया। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या रोटी शोटी सब्जी ऑमलेट ऐसा सब मिल जाती है वो मैं खा लेता हूँ और उसके बाद अपने काम के लिए जा लेता हूँ। और एक भाई को मैं फ़ोन भी करना हो तो वो भी आ रहा है और वो भी मेरा क्या करे हेल्प करेगा। तो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चला, एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ थोड़ा बहुत आपने समझ रहे हो, वही है थोड़ा बहुत देख के आएंगे यार क्या होता है देखते हैं। तो चलो अब के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ता भी आ चुका है अपना और ये नाश्ता खा के चल लेते हैं। सो गाइस गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ पर अपने काम से आया हूँ ज़्यादा आप लोगों के लिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा अपना काम है, मैं उसी काम से थोड़ा बहुत बिजी हो रखा हूँ और वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी। और मेरे साथ काफ़ी आ रहे है ना, तो ये कि यहाँ पर थोड़ा अपने मतलब कोई इमरजेंसी काम से आया था मैं और फिर मैं क्या है ना आज शाम में वापस निकल रहा हूँ। तो शाम का मेरा मेरे को लगभग कितना 6 बजे का मैंने ट्रेन बुकिंग कर लिया और 6 बजे का टाइम में जाऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा दिन में सॉरी गाइज और मैं जितना हो सकता थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाएं, तो टाइम मिला के मैनेज करके मैं कर रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।